क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी एक भाषा है, ज्ञान नहीं। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, नॉट नॉलेज। और ये हर बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ, जिसे बोला गया है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, माली का बेटा माली, वॉचमैन का बेटा वॉचमैन बनेगा। मैंने वो सब काम ही किए हैं सर। मैंने गाड़ी धोई है, बचपन में लोगों के घर दूध पहुंचाया है, न्यूज़पेपर डाली है। के नियर डियर लोगों को भी बिग बॉस घर में बुलाते हैं आपसे मिलने के लिए। वो कौन से तीन नियर डियर लोग हैं जिनको आप जिनका नाम आपने दिया है कि ये लोग आ सकते हैं? सर मैंने सिर्फ अपने पापा का नाम दिया। विशाल, किस तरह की तैयारी हो गई है? कितने जोड़ी कपड़े आपने पैक कर लिए हैं क्योंकि कल आप लोगों को निकलना है? सर मेरा कोई डिजाइनर नहीं है। मैंने सोचा डिजाइनर जो भी मुझसे पैसे मांग रहे थे, मैंने उन सोचा कि वो डिजाइनर के पैसों से मैं चार बच्चों को खाना खिलाऊंगा। मुझे पैसे की बहुत अहमियत है सर, क्योंकि जहां से मैं आता हूँ ना, मैं बहुत ही एक गरीब इलाके से आता हूँ। मैं मुंबई के दगड़ी चाल से आता हूँ, जहां पर आज भी बच्चों को ये कहकर धुतकार दिया जाता है कि तू इंग्लिश नहीं जाता, अनपढ़। तो उन सारे बच्चों का जवाब है विशाल कोटियन, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी एक भाषा है, ज्ञान नहीं। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, नॉट नॉलेज। और ये हर बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ, जिसे बोला गया है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, माली का बेटा माली, वॉचमैन का बेटा वॉचमैन बनेगा। मैंने वो सब काम ही किए हैं सर। मैंने गाड़ी धोई है, बचपन में लोगों के घर दूध पहुंचाया है, न्यूज़पेपर डाली है। मैंने सलमान सर की फिल्मों की टिकट ब्लैक की है। जब मैं फोर्थ स्टैंड में था तो वीरगति नाम की फिल्म आई थी, उसकी टिकट ब्लैक की है। जब मैं नाइन्थ स्टैंड में था तो मैं बंधन फिल्म की टिकट ब्लैक किया करता था, तो मैंने वो भी काम किया है। तो हर वो बच्चा अगर वो ये समझ सके कि विशाल कोटियन हमारे बीच से निकलकर यहाँ पहुंच सकता है, इफ आई कैन गेट एजुकेटेड, इफ यू कैन डू इज एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, तो फिर हम भी पहुंच सकते हैं। अगर एक बच्चे ने भी ये सोच लिया ना सर, तो मेरा बिग बॉस में जाना सफल हो जाएगा। विशाल, जब आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं तो आपके नियर डियर लोगों को भी बिग बॉस घर में बुलाते हैं आपसे मिलने के लिए। वो कौन से तीन नियर डियर लोग हैं जिनको आप जिनका नाम आपने दिया है कि ये लोग आ सकते हैं? सर मैंने सिर्फ अपने पापा का नाम दिया, क्योंकि मम्मी तो चली गई थी जब मैं 15 साल का था। मैंने अपने हाथों में अपनी मॉम का देहांत देखा है। मेरी मॉम को कैंसर था। किसी के माता पिता के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी माँ को 9 महीने अपने गोद में मरते हुए देखा है।